इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। ए अल्लाह, तुझसे बरहम हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तुझसे बरहम हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तय क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे। दोस्तों, 4 मई 1799 यानी हिंदुस्तान की आज़ादी से तकरीबन 150 साल पहले, क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का वो कौन सा मुहाफिज़ और मुजाहिद था जिसके मरने के बाद अंग्रेज़ जनरल ने यह ऐलान किया था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। तो सोचिए मेरे दोस्तों, वो कौन सा मुजाहिद है और कौन सा मुहाफिज़ है जिसकी शहादत की वजह से जंग आज़ादी को 150 साल तक और लड़ना पड़ा। दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम्स एंड न्यूज़, आपका यूट्यूब चैनल जिसको हम शॉर्ट में ईमान कहते हैं। हमारा दंगा मुक्त भारत सीरीज़ जो चला हुआ है, जिसके हमने 3 एपिसोड्स आपके सामने पेश किए हैं, हम 15 अगस्त के बाद उस सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरह से आप जानते हैं कि अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, कुछ ही दिनों में जश्न आज़ादी होने वाला है, इसकी मुनासिबत से हमने ये सही समझा कि आप सबको हम ये बताएं कि इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार है। तो बिला ताखिर चलिए, मैं सबसे पहला जिक्र आपके सामने रखने जा रहा हूँ। 4 मई 1799 को एक मुजाहिद अपने किले का मुआयना करता है, दरख्त के नीचे बैठकर अपने दोपहर का खाना खाने ही वाला होता है। उसने बिस्मिल्लाह कहा था और पहला लुकमा अपने मुंह में डाला था कि उसे खबर आती है अंग्रेज़ किले में दाखिल हो चुके हैं। सुल्तान ने आगे खाना खाना बंद कर दिया, अपना हाथ तक नहीं धोया, अपना घोड़ा मंगवाया जिसका नाम ताऊस था, फिर उसने अपनी तलवार थामी और अपनी 2 नाली की बंदूक थामी और मैदान की तरफ सरपट दौड़ पड़ा। आखिरकार वो मुजाहिद आज़ादी मैदान जंग में शहीद हो गया। ये वो शेर था जो शेर हिंद था, शेर मैसूर जिसे कहा जाता है, कोई और नहीं मेरे दोस्तों, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह थे मेरे दोस्तों। दोस्तों, हमने एक सीरीज जारी की है जिसका आज आप सबसे पहला एपिसोड देख रहे हैं, जिसमें हम ये जिक्र कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का क्या किरदार है। हम इस सीरीज में हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए मुसलमानों ने क्या कुर्बानियां दी हैं, वो कौन सी नुमाया शख्सियात हैं जिन्होंने अपना इस मुल्क के लिए खून बहाया है, हम तफसील के साथ बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम, बड़े बड़े वाक़यात और बड़े बड़े इदारों के नाम आपके सामने रखेंगे। कुछ किताबें, कुछ दास्तानें, कुछ कुर्बानियों के किस्से आपके सामने हम रखेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है मेरे दोस्तों हमारे इस सीरीज़ में, हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि मुसलमानों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं, हम साथ में ये भी बताएंगे कि जो संगी सुबह शाम मुसलमानों को गद्दारी का ताना देते हैं, उनकी गद्दारियों की दास्तानी भी बताएंगे और हमारी कुर्बानियों की दास्तानी भी बताएंगे, ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए कि जब भी आपको कोई गद्दार कहे, कोई संगी आपको उंगली उठाए आपके ऊपर, तो आप ये कहो कि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे अजदाद ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए क्या कुर्बानियां दी हैं और तुमने क्या गद्दारियां की थी। हत्ता कि जब टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को लोगों ने रोकने की कोशिश की और ये कहते हुए कि आज लगता है हम जंग हार जाएंगे, तो आफियत इसी में है कि जान बचा कर निकला जाए, तो सुल्तान टीपू शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जलाल में आकर ये कहा था कि गिदड़ की 100 साल ज़िंदगी से मुझे शेर की 1 दिन की ज़िंदगी पसंद है। ये कहते हुए मैदान जंग की तरफ सुल्तान टीपू बढ़ते हैं और अपने सीने पर कई गोलियां खाते हैं, कई वार सहते हैं और उसके बाद वतन अजीज़ की हिफाजत करते हुए मैदान जंग में जाम शहादत नोश फरमाते हैं। हम और भी दास्तानें आपके सामने लाते रहेंगे मेरे दोस्तों, देखते रहिए हमारा ये सीरीज़ और हमारे इन वीडियोज़ को दूर दूर तक शेयर करिए ताकि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो, लोगों के अंदर वो गैरत, वो हमियत पैदा हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।